बदून स्कूल मुझे तो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा 3 साल से पढ़ रहा है यहाँ पे, थर्ड में इसका एडमिशन कराया था, 5th क्लास में हो चुका है। मेरा दूसरा बच्चा भी इसी स्कूल में आने वाला है। तो ये अच्छा सा हर साल बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं बच्चे को, और सेलिब्रेशन भी होते हैं। पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी है, टॉपर है मेरा बेटा। दून स्कूल बहुत अच्छा है। मेरा बेटा पहली बार इसमें एडमिशन करवाया था, 3rd क्लास में, पहले कैंपस में पढ़ता था। ये आने के बाद 70% ग्रोथ हुई मेरे बेटे में। एक्टिविटी भी अच्छी करवा रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छी करवा रहे हैं, और सब तो बढ़िया बात है। स्टाफ बिल्कुल बढ़िया है, पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करे हैं। अच्छा स्कूल है काफ़ी, जब से बच्चों को मतलब यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे तो काफ़ी डेवलप हुए हैं बच्चों का स्किल लेवल, स्किल स्टडी भी अच्छी है। स्पोर्ट्स में तो अभी बच्चे गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और स्टडी को लेकर तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा मैंने, खुद अपने बच्चे में, जो मेरी 1.5 साल की गुड़िया है, मैं जब वो पढ़ने के लायक होगी तो यहीं करवाऊंगी उसको। स्थित दून पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने शानदार प्रस्तुति देते हुए सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुडलाना खंड BEO बसंत ढीलो पहुंचे। मुख्य अतिथि के ध्वजारोहण के बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बसंत ढीलो ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए MD राजेश कुमार ने कहा कि इस क्षेत्र को इस तरह के स्कूल की जरूरत थी, उसे पूरा किया और आगे भी बेहतर प्रयास जारी रहेंगे। बहुत अच्छा है, और इस तरह के प्रोग्राम जो है वो प्रतिवर्ष विद्यालयों में आयोजित करवाए जाते हैं। इससे बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है और देशभक्ति की भावना भी बच्चों के अंदर टाइम टू टाइम जागृत होती है, इस तरह के प्रोग्राम अगर आयोजित करवाए जाते हैं। आज जो है बच्चे काफ़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ भी दे रहे हैं, किस तरह से हौसला बढ़ाएंगे बच्चों का और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, बच्चों के लिए तो 2 शब्द भी अगर हम मोटिवेशनल बोलते हैं तो वो भी बच्चे के लिए काफ़ी हो जाता है, और बच्चों को तो हम मोटिवेट करते ही, क्योंकि देश के कर्णधार हैं ये, और जितना अच्छा, जितनी प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को दी जाती है उससे बच्चे का कैरियर इतना ही ज़्यादा निखर के ऊपर आता है। सबसे पहले तो मैं बसंत ढीलो जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, और आप सभी का भी। जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये एक हमारा जो 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के बाद पूरे एक सिस्टम को एक कानून के दायरे में लाने के लिए एक संविधान बनाया गया, और संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसके रूप में ये बनाया जाता है ताकि हम उस संविधान की पालना करते हुए अपने सिस्टम में रहें, संविधान में रहें। और मैं अपने पूरे क्षेत्र को 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, हम आज के दिन ये प्रण लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे कि भाई हम अपने संविधान की पालना करें, उसी के दायरे में रह के काम करें, और अपने बच्चों को, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाला उज्जवल भविष्य है, उनके अंदर ये प्रेरणा स्रोत डालते रहें ताकि भविष्य में वो आगे अच्छे ही व्यक्तित्व का बढ़ोतरी हो उनके अंदर, और संविधान की पालना करें। सर, जिस तरह से पेरेंट्स से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ एडमिशन करवाने के बाद बच्चों में एक अलग से इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बच्चों में हुआ है, तो कैसे आप लोग यहाँ मेहनत करवाते हैं, कैसे तैयारी करवाते हैं? ऐसा है जी, मेहनत का जो हमारा सिस्टम है, मैं आपको बता दूंगा, प्री नर्सरी से लेकर 12th तक प्रत्येक क्लास हमारी बोर्ड की है। बोर्ड की मीन्स भाई, जैसे 10th और 12th हम मानते हैं सभी भाई बोर्ड की क्लास, हमारे यहाँ प्री नर्सरी से लेकर 12th तक प्रत्येक क्लास बोर्ड की है। क्योंकि मेरे टीचर को ये मालूम नहीं होता भाई कल जो क्वेश्चन पेपर सेट आएगा उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो सारा इंटरनल होता है। हमारे टीचर को कोई भी इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हेड ऑफिस से पहले दिन पेपर आता है, नेक्स्ट डे हम उसको ले लेते हैं। ये है मेन कारण, आपको बता दूंगा, क्योंकि इंटरनल गहराई तक पढ़ाना पड़ता है टीचर को, मतलब हर दिन कॉम्पिटिशन करा देते हैं। यस यस यस, बहुत कम समय में दून पब्लिक स्कूल ने जिस तरह से यहाँ क्षेत्र में पहचान बनाई है, इसके लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? तो आप सभी का सही हो गए, इस एरिया को ऐसे स्कूल की ज़रूरत थी और हमने उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करी और करते रहेंगे। मेहनती और कर्मठ स्टाफ है। नमस्कार एवरीवन, सबसे पहले मैं आप सबको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और मिस्टर ढीलो का धन्यवाद कि उन्होंने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला
और सारे पत्रकारों का मेरी तरफ से धन्यवाद। पूरी दून टीम की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद कर रही हूँ और पूरी दून टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। वी कीप ऑर्गेनाइजिंग सच प्रोग्राम्स इन द स्कूल सो दैट आवर चिल्ड्रन गेट कॉन्फिडेंस एंड दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पेट्रियोटिज्म। थैंक यू सो मच, हैप्पी रिपब्लिक डे। सर मेरा नाम सुमन है। कहाँ से आए? मुडलाना था सर। अच्छा, तो दोनों स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी सर, दोनों बच्चे दोनों में ही पढ़ते हैं। तो क्या बोलना चाहोगे स्कूल के बारे में? सर काफ़ी अच्छा स्टाफ है, बच्चे भी अच्छे चल रहे हैं, मतलब बहुत सुधार है पहले तो बच्चों के अंदर। एक्टिविटी भी अच्छी करवा रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छी करवा रहे हैं और सबसे बढ़िया बात है स्टाफ बिल्कुल बढ़िया है, पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करे हैं और बढ़िया। मतलब कब से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? कितना टाइम? मैंने तो अब के साल ही करवाए हैं बच्चे यहाँ पर। तो अच्छा, पहले अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का। बस मन में शांति है कि बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, बस इतने। क्या नाम है जी? मेरा नाम रीना है और मेरे से मैं श्यामड़ी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, दून स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहोगे जी? दून स्कूल बहुत अच्छा है, मेरा बेटा पहली बार इसमें एडमिशन करवाया था थर्ड क्लास में, पहले कैंपस में पढ़ता था। यह आने के बाद 70% ग्रोथ हुई मेरे बेटे में और बहुत सारे कॉम्पिटिशन उनमें भी उन्होंने भाग लिया। तो नेक्स्ट टाइम हम छोटे वाले का भी इसमें एडमिशन करवाएंगे तो हम 10 में से 10 ही नंबर देंगे जी। सही है जी। हाँ जी, ये छोटे वाले का भी इसी में एडमिशन करवाएँ जी। पढ़ाई भी एक बच्चे का होता ना कि जैसे नॉर्मल ग्रोथ, बोलना, एजिटेशन, अब सही है। थोड़ा कहाँ से आए? गोहाना से। अच्छा, दून स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहिए? दून स्कूल मुझे तो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा 3 साल से पढ़ रहा है यहाँ पे, थर्ड में इसका एडमिशन कराया था, 5th क्लास में हो चुका है। मेरा दूसरा बच्चा भी इसी स्कूल में आने वाला है तो ये अच्छा सा हर साल बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं बच्चे को और सेलिब्रेशन भी होते हैं। पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी है, टॉपर है मेरा बेटा 3 साल से ही और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सेटिस्फाई हूँ मैं स्कूल से बहुत ज़्यादा। विपुल सरदाना। विपुल सरदाना कहाँ से है सर? गोहाना से ही हूँ। दून स्कूल के बारे में सर क्या बोलना चाहोगे? अच्छा स्कूल है काफ़ी, जब से बच्चों को मतलब यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे तो काफ़ी डेवलप हुए हैं बच्चों का स्किल लेवल, स्किल स्टडी भी अच्छी है। स्पोर्ट्स में तो अभी बच्चे गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, स्केट्स में गए थे अभी तो सूरत में गए थे तो वहाँ पर गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। काफ़ी अच्छा स्कूल है, मैं तो सबको ये सलाह दूंगा कि जब न्यू एडमिशन जो हो रहे हैं हर बच्चा इसी में एडमिशन ले, इसी स्कूल में ही, बहुत अच्छा स्कूल है। जी बबीता नाम है सर। कहाँ से आए मैम? यही मुडलाना से। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी सर। दोनों स्कूल के बारे में मैम क्या बोलना चाहोगे? सर यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और स्टडी को लेकर तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा मैंने खुद अपने बच्चे में। जो मेरी 1.5 साल की गुड़िया है मैं जब वो पढ़ने के लायक होगी तो यहीं करवाऊँगी उसको, बहुत अच्छा है सर।